हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में नन्हा सा मेहमान है, छोटा सा बेबी है, या अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है और बेबी की केयर कैसे करनी है आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी शुरू से लेकर लास्ट तक कि बच्चे को, जैसे 0 से लेके 6 मंथ के बच्चे को हम कैसे ध्यान रखना है उसका, और कैसे उसकी केयर करनी है, किन बातों का ध्यान रखना कि बच्चा बीमार ना पड़े, और बच्चे को मोटा कैसे करें, बच्चे को हेल्दी कैसे रखें, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है फीडिंग का। 0 to 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा सोते हैं, 18 घंटे तक या 20 घंटे तक बच्चे मोस्टली सोते हैं, कुछ घंटे जागते हैं और खेलते हैं, अदरवाइज वो सोते रहते हैं। तो हमने ये नहीं सोचना कि बच्चा हमारा सो रहा है आराम से और हमने उसको फीड नहीं करानी है, जब उठ जाएगा तब फीड करानी है या क्राय करेगा तब फीड करानी है। फ्रेंड्स, 0 to 3 मंथ के बच्चे को हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल ना कम हो जाए, बच्चे का शुगर लेवल ना कम हो जाए, बच्चा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए हमें हर 2-2 घंटे बाद बच्चे को फीड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी फीड करवा रहे हैं ब्रेस्ट फीड, तो हर 2-2 घंटे बाद करवानी है, और फॉर्मूला मिल्क करवानी है तो वो भी 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट आपने करना ही करना है, अकॉर्डिंग टू वेट, बेबी जैसे डिमांड कर रहा है। जैसे कई बार बच्चा बहुत थोड़ा पीता है 20-30 ml स्टार्टिंग में, या कई बार बच्चा 60 ml तक भी ले लेता है अगर बच्चा 3 kg से अबव होता है, तो आपने फीडिंग का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए और बच्चे को मोटा करने के लिए और बच्चे को हेल्दी रखने के लिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। और कोशिश करें आप अपना ही दूध पिलाएं और फॉर्मूला मिल्क बहुत कम पिलाएं, या आपको नहीं फीड आ रहा है तब आप ना पिलाएं और आप फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है बर्पिंग का। डकार बच्चे को दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चाहे आप ब्रेस्ट फीड करवाओ या चाहे फॉर्मूला मिल्क करवाओ, बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि बच्चे को लेटे रहना होता है, जब भी फीड कराना है बच्चे को लिटा देते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हिचकियाँ लग जाती हैं और बच्चे को कई बार वॉमिट भी कर देता है, स्पिट अप कर देता है, हल्का फुल्का फीड बाहर निकाल देता है। अगर बच्चा थोड़ा बहुत फीड बाहर निकाल रहा है आफ्टर फीडिंग तो वो ओके है, नॉर्मल है। अगर बच्चा बार बार वॉमिट पास कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो आपने बच्चे को फीड कराने के बाद डकार अच्छे से दिलाना है। डकार दिलाने के लिए आपने हमेशा सही तरीके से बच्चे को डकार दिलाना है। जैसे आपने बच्चे को शोल्डर पे रखा, बच्चे की जो चिन्ह होती है यहाँ शोल्डर पे आनी चाहिए, बच्चे को पीछे से रब करना है, ऐसे थप 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 नहीं करना, बच्चे को प्रॉब्लम होगी और बच्चे के नेक पे भी असर पड़ेगा और बच्चे को पेनफुल होगा। आपने ज़्यादा जोर से नहीं थपथपाना, हल्का हल्का आप ऐसे मसाज कर सकते हैं या ऐसे मसाज कर सकते हैं तो बच्चे को डकार आ जाएगा बहुत अच्छे से, जिससे बच्चे को डाइजेस्ट भी हो जाएगी फिर और बच्चा वॉमिट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हाइजीन। हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है। हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है कि कोई भी वो इन्फेक्शन जो होती है बच्चे को बहुत जल्दी कैरी कर लेता है बच्चा इन्फेक्शन को। इसलिए कोशिश करें आप अपने जब भी बच्चे को टच करें हैंड वॉश करें, प्रॉपर सोप एंड वाटर से आप हैंड वॉश करें प्रॉपरली, फिर बच्चे को टच करें। कोई भी बाहर से बेबी को अगर खिलाने के लिए आ रहा है, उठाने के लिए आ रहा है, तो हमेशा उसको कोशिश करें कि वो चेंज करके ही बच्चे को उठाए या बच्चे को हैंड वॉश करके अच्छे से तब वो बच्चे को उठाए, से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी और बच्चा सेफ रहेगा। और जो बच्चे का आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी बढ़िया सा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए वहां पे, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चा बीमार ना पड़े। नेक्स्ट है कॉर्ड केयर कैसे करनी है, मतलब जो बच्चे के जो नाड़ू होता है उसकी संभाल कैसे करनी है। कई बताते हैं कि बच्चे को तेल लगाओ उस पर, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, अच्छे से वॉश करना है उस एरिया को, बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। उस एरिया को हमेशा ड्राई रखना है, वेट नहीं करना है। कोशिश करें अगर इफ एनी इमरजेंसी आप डायपर वेयर करवा रहे हैं बच्चे को, तो कभी भी डायपर के
अंदर कॉर्ड नहीं जानी चाहिए, हमेशा ऊपर की ओर ही रहे, और उस पर ज्यादा हमने उसको मालिश करते वक्त ज्यादा मलना भी नहीं है, ना ही उस पर कुछ भी अप्लाई करना है, हमेशा ड्राई रहने देना है, और नहलाना भी बच्चे को नहीं है जब तक कॉर्ड नहीं टूट के गिर जाती है। इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है। अगर कॉर्ड में कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि इस पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को आपने दिखाना है। ये सब चीजों की आपने जरूर देखभाल करनी है। नेक्स्ट है कि बच्चे की साफ सफाई का ध्यान आपने कैसे रखना है। जैसे कि बच्चे को आप नहला दिए हैं, और बच्चा कभी कभी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो जाती है, नोज में इन्फेक्शन हो जाती है, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप बच्चे को नहलाएं, कान के पीछे वाले एरिया को जरूर साफ करें। समटाइम हम पाउडर अप्लाई करते हैं बच्चे को फेस पे या गर्दन पे, तो वो पाउडर चिपक जाता है या कोई मैल जम जाती है बच्चे को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डस्ट तो उड़ता ही रहता है हमेशा, आप देखते हैं हवाओं में, तो बच्चे को भी लग जाती है और उस पे जम जाता है, बच्चे को रेडनेस हो जाती है, वहां का एरिया कट जाता है और गर्दन का एरिया भी कट जाता है। कोशिश करें क्लीन अच्छे से बच्चे को, जो गर्दन वाला एरिया होता है खास करके 0 to 3 months के बच्चे का, तो वो कट सा लग जाता है, आप कोकोनट ऑयल हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश करें ड्राई रखें, या बच्चे की गर्दन को एज सम टाइम बच्चे की गर्दन को भी मूव करते रहें, ताकि वो ज्यादा कट ना लगे उस पर और ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। और नोज को भी क्लीन कैसे करना है, आपने बच्चे की नोज को साफ रखना है, अगर कुछ जम जाता है कुछ भी म्यूकस वगैरह, तो उसको निकालना है आपने अच्छे से, जेंटली क्लीन करना है। ईयरबड ले सकते हैं, हल्का हल्का मार सकते हैं उसके अंदर, बाहर आउटर एरिया पे, इंटरनल नहीं ज्यादा जाना है आपने। और बच्चों की आंखों को कैसे साफ रखना है आपने, ताकि बच्चे की आंखों में पानी ना आए और इन्फेक्शन ना हो। समटाइम आपने देखा होगा कि बच्चा जो सो के उठता है तो गिद्सी निकलने लग जाती है बच्चे के एरिए में, वो चिपकी चिपकी से पदार्थ हो जाता है, तो आपने जो 2 cotton के बॉल्स लेने हैं और उबले हुए पानी में रख देने हैं आपने, मतलब गुनगुना सा उबाल के गुनगुना अलग से रखना है आपने, हैंड वॉश कर लेना है और उसको स्क्वीज करके बच्चे को हल्के हाथों से ऐसे जस्ट ऐसे आपने क्लीन करना है, और बच्चे को इस एरिया पे क्लीन करना, इंटरनल नहीं आपने ऐसे क्लीन करना, बट सॉफ्टली जेंटली क्लीन करना है कि बच्चे का जो भी जमा है साइडों में वो निकल जाए अच्छे से, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है डायपर केयर। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या कुछ भी आप लंगोट पहना रहे हैं बच्चे को, कुछ भी जैसे पजामी या निकर पहना रहे हैं, कोशिश करें जब भी बच्चा यूरिन पास करता है तब तुरंत ही चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि अगर डायपर पहना रहे हैं आप बच्चे को, 3 to 4 hours बाद डायपर को आपने चेंज करना है, चाहे बच्चे ने यूरिन पास किया हो चाहे ना किया हो। पॉटी तुरंत बच्चा कर देता है तो तुरंत उसको चेंज करना है आपने, और जब भी आपने डायपर पहनाना है बच्चे को, डायपर रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल अप्लाई करने के बाद ही आपने डायपर को पहनाना है। इससे बच्चे को रैशेस नहीं होंगे और उस पे रेडनेस नहीं होगी, बच्चा भी कंफर्टेबल महसूस करेगा। गर्मियों के दिनों में कोशिश करें ज्यादा बच्चे को डायपर ना पहनाएं अपने बच्चे को, और 1 to 2 hours के बीच में थोड़ा सा बच्चे की स्किन को हवा लगने दें, और बच्चे को हवा लगेगी तो उससे इन्फेक्शन भी कम रहेगा बच्चे को, रेडनेस भी नहीं होगी। और उसके बाद आप निकर या कुछ भी पहना सकते हैं, ज्यादा आपने डायपर यूज नहीं करने हैं, एमरजेंसी में ही आप डायपर यूज करें बच्चे को। बहुत से पेरेंट्स के दिल में ये सवाल होते हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को 0 to 6 months के जो बच्चे होते हैं उनको गर्मियों के दिनों में पानी पिला सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल भी नहीं पिलाना है फ्रेंड्स आपने बच्चे को पानी। छोटे बच्चे के जो पानी, जब हम दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं, तो 80% उसमें वाटर होता है, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर फीड करवानी है, ऊपर से पानी आपने नहीं देना है। फॉर्मुला मिल्क अगर पिला रहे हैं तब भी हम उसको डिसॉल्व करने के लिए, फॉर्मुला मिल्क को मिक्स करने के लिए पानी की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है बच्चे को। नेक्स्ट है मसाज करना। बच्चे का बहुत जरूरी होता है मसाजिंग का, बच्चा इसे रिलैक्स फील करता है, मानसिक शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है, बच्चा भरपूर नींद लेता है, और बच्चे को हेल्थ अच्छी मिलती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, इसलिए बच्चे को स्टार्टिंग में मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दिन में 2 times आपने मसाज करना है 0 to 6 months के बेबी को, वैसे तो 0 to 2 years तक के बच्चे को मसाज करना ही करना जरूरी होता है, पर नवजात शिशु को हम मसाजिंग कॉर्ड गिरने के बाद करना शुरू कर सकते हैं। मसाज अच्छे से बच्चे को ऑयल अप्लाई करके मसाज करना है, उसको 1.5 hours तक रखना है, उसके बाद बच्चे को नहला देना है। गर्मियों के दिनों में खास करके बच्चे को जरूर नहला दें।
ऐसा आपने ऑयल यूज करना है कि वो अधिक चिपचिपा ना हो और बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और एक बात और फ्रेंड्स, जरूरी, कोई भी आप अपना प्रोडक्ट यूज करें, जैसे सोप हो गया, लोशन हो गया, कुछ भी जो आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, इवन की पाउडर भी, क्रीम भी, कुछ भी, वो अपने बच्चे को आपने अप्लाई नहीं करना है। आपकी बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपसे भी ज्यादा, तो कभी भी आप यूज कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट अपना, तो बच्चे को नहीं यूज करना, ताकि बच्चे को रैशेस, खारिश और एलर्जी उससे ना हो और बच्चे की स्किन खराब ना हो। नेक्स्ट है, बच्चे के नाखूनों की सफाई कैसे रखनी है। छोटे बच्चों के नाखून बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं और बहुत तीखे भी होते हैं, और कई बार क्या होता है, बच्चा अपने फेस पे भी नेल्स मार लेता है, जिससे बच्चे के जो निशान पड़ जाते हैं फेस पे या कहीं भी, वो मार लेता है। और छोटे बच्चे को हमने 0 to 1.5 महीना का जो बच्चा होता है, मतलब 0 to 1.5 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनको हमेशा मिटन्स पहना के रखने हैं, छोटे छोटे हाथों में दस्ताने पहना के रखने, ताकि वो अपने फेस पे नेल्स ना मारे। उसके बाद आप बच्चे के जो नेल्स हैं वो कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कट करने के लिए आप अच्छे से बच्चे को, जब बच्चा सो जाए और नहला के आप उसको सुला रहे हो, तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चे के नेल्स, आसानी से कट जाते हैं, इससे बच्चे को इंजरी नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चे की वैक्सीनेशन। आपने ये ध्यान में रखना है कि एट बर्थ आपके जो बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है, उसके 1.5 महीने बाद सेकंड वैक्सीनेशन सेम लगती है बच्चे को, वो जरूरी है। जब भी आपको डॉक्टर फॉलोअप पे बुलाएं, आप जरूर जाएं। छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है वैक्सीनेशन का, तो हमने वैक्सीनेशन प्रॉपर बच्चे की करानी है। कुछ भी ना समझ में आए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिशु को जब भी आप होल्ड कर रहे हैं, बच्चे को पकड़ रहे हैं, तो हमेशा बच्चे को ऐसे पकड़ें कि जो नेक, जो बच्चे की गर्दन है और बच्चे का हेड है, उसको सपोर्ट लेके पकड़ें छोटे बच्चे को, ताकि बच्चे का जो हेड ऐसे ना हो और पीछे की ओर नेक ना जाए और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और नेक में इंजरी ना हो। इसलिए बच्चे को बहुत ही ज्यादा जेंटली होल्ड करना पड़ता है, और ना ही बच्चे को हमने ऐसे ऐसे शेक करना है, ऐसे अप एंड डाउन शेक नहीं करना है। हम बच्चे को ऐसे ऐसे हल्का फुल्का कर सकते हैं और रोते हुए बच्चे को चुप करा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काफी हेल्पफुल रही हो। अगर कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उस चीजों को जरूर फॉलो करें, ताकि आपका बेबी हेल्दी ग्रो करे। और कुछ भी डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं और पूछ सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।